देश और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस शादी के सभी फंक्शंस मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे। शादी में देश विदेश से कई वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो शादी में शामिल होने के लिए देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री को न्योता भेज दिया गया है। तो चलिए जानते हैं शादी के लिए अंबानी परिवार ने क्या क्या खास तैयारियां की हैं। इवेंट प्लानिंग, 6 महीने से चल रही है शादी की प्लानिंग। DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने संभाला है ये जिम्मा और 150 से 200 वेंडर्स मिलकर ये शादी ऑर्गेनाइज करेंगे। कंपनी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, पिछले कुछ सालों से रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी है। ये इवेंट टीम लॉजिस्टिक प्लानिंग, वेंडर रिकमेंडेशन, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और डेकोरेशन से लेकर केटरिंग तक का हर काम बारीकी से मैनेज करती है। बात करते हैं नॉलेज पॉइंट की। ये कंपनी BCCI और IPL के कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुकी है। शकीरा और बियॉन्से जैसे इंटरनेशनल सिंगर्स के कॉन्सर्ट भी आयोजित करवा चुके हैं। खास मौकों पर एंटीलिया को डेकोरेट और लाइटिंग करने का काम भी यही कंपनी करती है। बात करते हैं सिक्योरिटी की। Z+ सिक्योरिटी में रहेंगे फैमिली मेंबर्स। कौन संभालेगा जिम्मा? तो जी कॉन्फिडेंशियल है ये। और क्या खास है कि ISOS सेटअप है। अंबानी फैमिली के सभी मेंबर्स इस शादी में Z+ सिक्योरिटी के साथ मौजूद रहेंगे। इवेंट के दौरान इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम यानी कि ISOS सेटअप किया जाएगा। इस ISOS सेंटर से इवेंट के सिक्योरिटी ऑपरेशन पर निगरानी रखी जाएगी। 60 लोगों की सिक्योरिटी टीम में 10 NLC कमांडोज और पुलिस ऑफिसर्स होंगे। 200 इंटरनेशनल सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे। 300 सिक्योरिटी मेंबर्स हैं। 100 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस के जवान BKC में तैनात रहेंगे। बात करते हैं वैनिटी वैन की। वेंडिंग वेन्यू पर मौजूद रहेंगी 25 वैनिटी वैन। और कौन संभालेगा जिम्मा? तो बात करते हैं केतन रावल की कि 20 वैनिटी गेस्ट के लिए हैं और 5 वैनिटी फैमिली मेंबर्स के लिए। 8 से 13 जुलाई तक 25 वैनिटी वैन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मौजूद रहेंगी। इन 25 वैनिटी में कंगना रनौत और सोनाक्षी सिन्हा जैसे सेलेब्स की वैनिटी भी मौजूद है। इनमें से 5 वैन अंबानी के फैमिली मेंबर्स के लिए रिजर्व रहेंगी। बाकी 20 वैनिटी सेलिब्रिटीज और देश विदेश से आए मेहमान यूज करेंगे। केतन रावल बॉलीवुड के जाने माने वैनिटी प्रोवाइडर हैं। 65 लाख में कंगना रनौत के लिए केतन रावल ने वैनिटी डिजाइन की थी। कई बड़े सेलेब्स इनके क्लाइंट्स हैं। केतन ने कोविड के दौरान पुलिस ऑफिशियल्स को यूज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैनिटी दी थी। बात करते हैं मेहंदी की। तो सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीना रचाएंगी मेहंदी। कौन संभालेगा जिम्मा? तो जी भाई, जैसा कि हर आप फंक्शन में देख सकते हैं कि वीना नागदा और उनकी टीम ही मेहंदी आर्टिस्ट का काम करती हैं। 10 आर्टिस्ट मेहमानों के लिए हैं और 3 आर्टिस्ट दुल्हन को सजाएंगे। शादी में सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा मेहमानों और फैमिली मेंबर्स को मेहंदी लगाएंगी। वेडिंग में वीना की 10 असिस्टेंट्स मेहंदी आर्टिस्ट फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को मेहंदी लगाएंगे और वहीं वीना खुद 2 आर्टिस्ट के साथ मिलकर दुल्हन को मेहंदी लगाएंगी। वीना सेलिब्रिटी फंक्शंस में अपनी फीस नहीं बताते, फिर भी शादी के बाद उन्हें लाखों का चेक दिया जाता है। कई सालों से अंबानी परिवार से जुड़ी हुई है। आकाश और ईशा अंबानी की शादी में भी मेहंदी लगाई थी। वीना बॉलीवुड में मेहंदी क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। वो ऋतिक रोशन की शादी से लेकर रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी, कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण तक की शादी में मेहंदी लगा चुकी हैं। बात करते हैं आउटफिट्स की। तो मनीष मेहरोत्रा ने डिजाइन किए हैं आउटफिट्स। 50 लोकल आर्टिस्ट ने डिजाइनिंग में की है मनीष की मदद। वेडिंग आउटफिट्स फेमस सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मेहरोत्रा ने डिजाइन किए। इन्हें डिजाइन करने में लगभग 50 लोकल आर्टिस्ट ने मनीष की मदद की है। सभी आर्टिस्ट रिलायंस फाउंडेशन स्वदेश से जुड़े हुए हैं। मनीष ने अब तक फंक्शंस में अंबानी फैमिली के मेंबर्स के लिए आउटफिट्स डिजाइन किए हैं। मनीष मल्होत्रा के साथ काम करने वाले अमेरिकन फ्लोरिस्ट जाम नीदम शादी के लिए फ्लावर डेकोरेशन का काम संभाल रहे हैं। इन्होंने पहले भी अंबानी की शादी में फ्लोरल डेकोरेशन का काम किया हुआ है। बात करते हैं साड़ी ड्रेपिंग की। तो डॉली को मिला है साड़ी स्टाइलिंग का जिम्मा। 350 से ज्यादा स्टाइल में साड़ी और दुपट्टा बांधना जानती हैं डॉली जैन। डॉली जैन बॉलीवुड की जानी मानी ड्रेपिंग आर्टिस्ट हैं। वो 350 से ज्यादा अलग अलग स्टाइल से साड़ी और दुपट्टा बांधना जानती हैं। डॉली बीते कई सालों से अंबानी फैमिली से जुड़ी हुई है। वो शादी में भी मौजूद रहेंगी। डॉली ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि हालांकि उन्होंने कोई जेल शेयर्स नहीं की। डॉली महज 7वीं पास है, लेकिन अपनी अलग स्किल से उन्होंने अपना अलग मुकाम बनाया है। उनके नाम महज 18.5 सेकेंड में साड़ी पहनने का रिकॉर्ड है। डॉली सालों से बॉलीवुड सेलेब्स की ड्रिपिंग कर रही हैं। वो कई इवेंट्स के लिए दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और नीतम अंबानी समेत कई सेलेब्स को साड़ी पहनना सिखा चुकी हैं। बात करते हैं डांस परफॉर्मेंस की। तो शादी में फ्लैश मॉब के साथ एंट्री करेगी दुल्हन।
जिम्मा संभाला है वैभवी मर्चेंट ने। 7 डांसर्स के साथ परफॉर्म करेंगे अनंत और राधिका। शादी में दूल्हा दुल्हन अंबानी फैमिली और कई मेहमान स्टेज पर परफॉर्मेंस देंगे। इन सभी परफॉर्मेंस की कोरियोग्राफी बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट करेंगी। फंक्शन के लिए अंबानी को वैभवी का नाम खुद डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने सजेस्ट किया था। शादी में 13 जुलाई को होने वाले आशीर्वाद सेरेमनी के लिए एक खास फ्लैश मॉब की तैयारी की जा रही है। यहां दूल्हा दुल्हन की एंट्री फ्लैश मॉब के साथ होगी। कपल 7 डांसर्स के साथ डांस परफॉर्म करेंगे। प्री वेडिंग सेरेमनी में नीता अंबानी की परफॉर्मेंस को भी वैभवी ने ही कोरियोग्राफ किया था। डांस कोरियोग्राफर वैभवी ने अपने करियर के लिए पहले ही गाने ढोल बाजे यानी कि हम दिल दे चुके सनम की कोरियोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। बीते 26 सालों से बॉलीवुड में एक्टिव वैभवी माधुरी से लेकर कैटरीना और दीपिका तक को डांस सिखा चुकी हैं। बात करते हैं फूड आइटम्स की, तो मेन्यू लिस्ट में 2500 से ज़्यादा डिशेज हैं और जो जिम्मा है ये अलग अलग फूड वेंडर्स ने संभाला है। 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल शेफ बनाएंगे फूड आइटम्स। इंडोनेशिया की कोकोनट कैटरिंग कंपनी 100 से ज़्यादा नारियल से बनी डिश पेश करेगी। शादी के लिए 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल शेफ को बुलाया गया है। 2500 से ज़्यादा डिश मेन्यू लिस्ट में शामिल है। काशी की चाट और मद्रास कैफे की फिल्टर कॉफी भी शामिल है। इटालियन और यूरोपियन स्टाइल फूड भी परोसा जाएगा। इंदौर की गराडू चाट, मुंगलेट और केसर क्रीम वड़ा भी मेन्यू में शामिल किए गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों के स्पेशल फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। रिटर्न गिफ्ट्स की बात करते हैं, वीवीआईपी गेस्ट को मिलेगी करोड़ों की घड़ी और जिम्मा संभाला है स्वदेश ऑर्गेनाइजेशन ने और कई राज्यों से बनकर तैयार हुए हैं रिटर्न गिफ्ट्स। शादी में पहुंचे सेलिब्रिटीज और वीवीआईपी गेस्ट्स को रिटर्न गिफ्ट्स के तौर पर करोड़ों की घड़ी दी जाएगी। बाकी मेहमानों के लिए कश्मीर, राजकोट और बनारस से गेस्ट को देने के लिए रिटर्न गिफ्ट्स बनाए गए हैं। बांधनी दुपट्टा और साड़ी बनाने वाले विमल मजीठिया को 4 महीने पहले ही गिफ्ट तैयार करने का ऑर्डर दे दिया गया था। हर दुपट्टे का बॉर्डर एक दूसरे से बहुत अलग है। विमल ने कुल 876 दुपट्टे और साड़ियाँ तैयार करके टीम को भेज दिए हैं। बनारसी फैब्रिक्स का बैग और रियल जरी से बनी जंगलर ट्रेंड की साड़ी भी रिटर्न गिफ्ट्स के तौर पर तैयार की गई है। करीमनगर के कारीगरों द्वारा बनाई गई चांदी की नक्काशी वाली कलाकृतियां भी गिफ्ट में दी जाएंगी। इससे पहले वह अनंत राधिका के पहले प्री वेडिंग इवेंट में गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट्स के तौर पर लुई विटॉन का बैग, गोल्ड चेन, स्पेशल कैंडल्स और डिजाइनर फुटबेल्स दिए गए थे। अनंत राधिका की बात करते हैं कि शादी में अब तक क्या क्या हुआ है। रोका 29 दिसंबर 2022 को हुआ था। ये सेरेमनी परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में राजस्थान के नाथ द्वार के श्रीनाथजी मंदिर में हुई थी। गोलधना और एंगेजमेंट 19 जनवरी 2023 को हुई। मुंबई में गोलधना सेरेमनी हुई। अंबानी परिवार ने इंटीरियर में राधिका का स्वागत किया और यहीं अनंत राधिका की एंगेजमेंट हुई। प्री वेडिंग 1 से 3 मार्च के बीच हुई थी 2023 में। जामनगर में पहली प्री वेडिंग सेरेमनी हुई। शाहरुख, सलमान, आमिर समेत हजारों गेस्ट पहुंचे। बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे ग्लोबल पर्सनालिटीज ने भी अटेंड किया फंक्शन। इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना ने परफॉर्म किया था। सेकंड प्री वेडिंग फंक्शन यूरोप में क्रूज पर सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी हुई। सलमान, शाहरुख और महेंद्र सिंह धोनी समेत कई सेलेब्स शामिल हुए। इवेंट में कैटी पेरी, बैकस्ट्रीट बॉयज और पिटबुल जैसे इंटरनेशनल सिंगर्स और बैंड्स ने परफॉर्म किया। बात करते हैं सामूहिक विवाह की, तो अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने सामूहिक विवाह करवाया। इस सेरेमनी में अंबानी ने अपने खर्च पर जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। ममेरू सेरेमनी कपल ने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर ममेरू सेरेमनी एंजॉय की। कार्यक्रम एंटीलिया में ही हुआ। संगीत सेरेमनी सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया। सलमान खान, रणवीर और रणवीर आलिया समेत कई सेलेब्स ने स्टेज पर डांस किया। इस मौके पर पूरे अंबानी परिवार ने स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस दी। हल्दी सेरेमनी उदित नारायण, कुमार सानू और राहुल वैद्य ने परफॉर्म किया। सलमान, जानवी, अनन्य और सारा समेत कई सेलेब्स शामिल हुए। मेहंदी सेरेमनी ये सेरेमनी भी हल्दी सेरेमनी की तरह इंटीरियर में होस्ट की गई। मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा ने ही राधिका को मेहंदी लगाई। अनंत राधिका की शादी का शेड्यूल 12 जुलाई को है शुभ विवाह, 13 जुलाई को है शुभ आशीर्वाद, 14 जुलाई को है मंगल उत्सव। शुभ विवाह में जो ड्रेस कोड है वो है इंडियन ट्रेडिशनल और शुभ आशीर्वाद में इंडियन फॉर्मल और मंगल उत्सव में इंडियन चिक। इस खबर से जुड़ी खबर पढ़ते हैं और भी, अब मिलते हैं हम आपसे बाद में। फिलहाल न्यूली वेड कपल को देते हैं हम बधाइयाँ बहुत बहुत ताकि इनकी शादीशुदा खुशहाल और सुख समृद्धि से भरपूर रहे। दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलेगा। इंस्टाग्रामर्स को फीड करना, उनकी हेल्प करना, पेड़ पौधों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। बाय एंड टेक केयर।